आनिया, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं है। आनिया मेरी तरफ देखो। आनिया मेरे हाथ जुड़े हैं तुम्हारे सामने। अगर अपने ससुराल की कोई बात है तो इस घर में बिल्कुल भी मत करना, वरना इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए मेरे पे बंद हो जाएंगे। खुदा के लिए प्लीज। क्या सोचा था क्या निक्का, तुम्हारी भांजी की मासूम शक्ल के पीछे इतना घिनौना चेहरा होगा? मैं तो अभी तक शॉक में हूं। गुलनाज ने तो मुंतहा के लिए पता नहीं क्या क्या दिल में बुराइयां पैदा कर दी। मुझे यकीन है उसकी वालदा के लिए भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया होगा। पता नहीं वो हमारी बेटी के साथ क्या सुलूक करती है। तुमने शामिर के तेवर देखे? उन्होंने जो करना था कर लिया। अल्लाह ही हिदायत दे इन लोगों को। आंटी, अंकल वो खाना गर्म हो गया है, लगा दिया है मैंने टेबल पे। आज ये बताओ, रोहिल का मूड कुछ ठीक हुआ? बहुत मुश्किलों से मनाया मैंने उन्हें, तो रुकने को तैयार ही नहीं थे। बात भी तो इतनी बड़ी थी ना। बात कहूं? हाँ कहो बेटा, क्या बात बोल? आप लोगों का अंदाजा नहीं है कि आप लोगों ने मुझे कितनी खुशी दी है। मैं कभी भी आप लोगों का एहसान नहीं भूलूंगी जिंदगी भर। ऐसे नहीं कर घर है तुम्हारा। मेरी भी एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैं जानती हूं आनी और इमाद ने अच्छा नहीं किया, लेकिन तुम अपना रवैया उनसे ठीक रखना। मैं चाहती हूं मेरे सब बच्चे एक साथ रहे। आप बेफिक्र हो जाए, मेरी तरफ से आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। खाना लग गया, आ जाए।